हम सभी कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। मध्य प्रदेश खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती वर्ष को खास और यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग ने कथक कुंभ का आयोजन किया। बता दें कि इससे पहले दिन 20 फरवरी 2024 को नृत्य के 1500 से ज्यादा कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस कथक कुंभ में उत्तराखंड की 2 कथक कलाकारों ने कथक नृतक के रूप में हिस्सेदारी की। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा खजुराहो नृत्य समारोह के 50वें स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 20 फरवरी 2024 को आयोजित कथक कुंभ में आंचल जोशी और कनिका तिवारी ने कथक नृतक के रूप में हिस्सेदारी की। साथ ही आपको बता दें कि अन्य कलाकारों के साथ ही उत्तराखंड की इन 2 बेटियों का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मेरा नाम आंचल जोशी, मैं कथक नृत्यांगना हूँ। मेरे कथक नृत्य की शुरुआत नुपुर नृत्य कला केंद्र एवं उच्च शिक्षा दिल्ली कथक केंद्र से गुरुजी पंडित जयकिश महाराज जी के सानिध्य में हुई। खजुराहो के 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर कथक कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें देश से 1500 से अधिक कथक नृत्य कलाकारों को भाग लेने का अवसर मिला। खजुराहो नृत्य समारोह के 50वें स्वर्ण जयंती के अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1500 से अधिक कलाकारों को भाग लेने का मौका मिला। मध्य प्रदेश शासन ने यह सभी नृत्य कलाकारों को मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में हम सभी कलाकारों का योगदान रहा। हम सभी कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद करती हूँ।